एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट दो वर्ड्स को, जो कि लॉ स्टूडेंट्स को कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं। जी हाँ, देखिए, जब हम पढ़ते हैं संविधियों का निर्वचन तो उस विषय में दो वर्ड्स बार बार हमारे सामने आते हैं कि देखिए, कहीं पर तो लिखा होता है निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन, और कहीं पर लिखा होता है अर्थान्वयन यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंटरप्रिटेशन क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है। तो चलिए आज इसी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि संविधियों का निर्वचन क्या है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, पर फिर भी एक बार उसको मैं शॉर्ट में आपको और बताने जा रही हूं। संविधियों के निर्वचन से तात्पर्य ये होता है कि जब विधायिका कोई भी विधि बनाती है और उस विधि के अंतर्गत यदि कोई प्रावधान, कोई वाक्य, कोई उपबंध क्लियर नहीं है, यानी कि उसमें कोई डाउट रह गया है, वो अनसर्टेन है, उसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, वो रेलेवेंट नहीं लग रहा है, तो देखिए, तब विधायिका तो विधि बना करके अपना काम खत्म कर चुकी होती है। लेकिन उससे रिलेटेड यानी कि उस विधि से रिलेटेड किसी भी वाद का निर्णय देते समय अभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर करें, और कैसा मीनिंग क्लियर करें, जैसा विधायिका ने विधि बनाते समय इंटेंशन लगा करके वो वर्ड वहां पर यूज किया होगा। इसे ही संविधियों का निर्वचन कहा जाता है। तो देखिए, इसी संविधि के निर्वचन में ही बार बार दो शब्द प्रयोग में आते हैं। पहला है इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। इन दोनों वर्ड में ही काफी ये कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब भी बुक में पढ़ा जाता तो देखिए, कहीं निर्वचन लिखा है, कहीं अर्थान्वयन लिखा है, तो इस पर काफी ये एक कहीं ना कहीं एक काफी मेन इंपॉर्टेंट इश्यू बन जाता है कि क्या ये दोनों वर्ड एक ही हैं या ये दोनों वर्ड डिफरेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में। इस को डिस्कस करते हुए दो ग्रुप बन जाते हैं, एक जो सपोर्ट कर रहा है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन एक ही है, और दूसरा ग्रुप जो ये कहता है कि इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। पहले ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं प्रोफेसर सामंत, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं प्रोफेसर कुले। इनके अलावा और भी विधि शास्त्री हैं, और भी जूरिस्ट हैं, लेकिन यहां पर मैं इन दो के बारे में ही बात करने जा रही हूं। देखिए, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं विधियों को एक्सप्लेन करना, मतलब जब विधायिका विधि के ने जो भी विधि बनाई है और जब न्यायाधीश उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पर मेनली इंटरप्रिटेशन वर्ड आता है, यानी कि उसमें जो शब्द लिखे हैं उन्हीं शब्दों के आधार पर मीनिंग जब क्लियर निकल करके आ जाए तो उस चीज को निर्वचन कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन, हम यदि नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात करें तो देखिए, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा तोड़ मरोड़ना, थोड़ा सा घुमा के किसी चीज का निर्माण करना। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थान्वयन से तात्पर्य ये है कि जब विधायिका के शब्दों से लेजिस्लेशन का इंटेंशन पूरा ना हो, तब जजेस क्या करेंगे, अपना लॉजिक लगा के थोड़ा सा उस वर्ड को कंस्ट्रक्ट करके, मतलब थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा के, थोड़ा लॉजिक लगा के लेजिस्लेशन के इंटेंशन को पूरा करेंगे। लेकिन घुमाने फिराने का मतलब ये नहीं है कि जजेस कुछ भी मीनिंग लगा दें, मतलब उसी वर्ड से ही रिलेटेड ही एग्जैक्ट मीनिंग निकालने की कोशिश करें, तब उसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप ये कहता है कि इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन सेम है, वहां पर हम सबसे पहले प्रोफेसर सामंत की बात करते हैं, और प्रोफेसर सामंत कहते हैं कि चाहे हम निर्वचन कह लें चाहे अर्थान्वयन, यानी कि चाहे इंटरप्रिटेशन कह लें चाहे कंस्ट्रक्शन कह लें, दोनों का मीनिंग ही विधायिका द्वारा लिखी गई विधि के आशय को बिल्कुल क्लियर बताना है। ठीक उसी तरीके से इनको सपोर्ट करते हुए, प्रोफेसर सामंत को सपोर्ट करते हुए जस्टिस वाइट कहते हैं कि निर्वचन और अर्थान्वयन सामान्य चलन में दोनों का एक ही अर्थ है, मतलब दोनों शब्दों का एक ही अर्थ आ जाता है। सेकेंड ग्रुप की हम यदि बात करें, प्रोफेसर कूले जो कि कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, और वो किस प्रकार से डिफरेंस बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जब शब्दों के आधार पर ही न्यायाधीश किसी भी विधि की व्याख्या करते हैं तो वो निर्वचन कहलाता है, लेकिन जब शब्दों की सीमा से परे हटकर या किसी अन्य बाहरी सहायता के आधार पर
उस शब्द का संभावित अर्थ ढूंढने की जब कोशिश की जाती है तब वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं जब इतनी सारी विधियों का निर्वचन करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि सीधे सीधे उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, यानी कि जजेस को कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है। और इसी बात के बेस पर हम यदि कंक्लूजन की बात करें कि दोनों में से कौन सही कह रहा है, तो एक जनरल बात ये कह दी गई है कि निर्वचन और अर्थान्वयन को एक ही प्रकार से समझना चाहिए। दोनों में है थोड़ा सा अंतर जरूर, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों के निर्वचन की बात आती है तो निर्वचन और अर्थान्वयन दोनों को ही लागू करते हुए दोनों को एक समान रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक लीडिंग केस में आपको और बताना चाहूंगी, बेला बनर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि निर्वचन तथा अर्थान्वयन दोनों का ही समान अर्थ होता है और दोनों ही विधायिका के आशय को पूरा करने के लिए न्यायालय के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको निर्वचन और अर्थान्वयन यानी कि इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।